उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही और स्थानीय लोगों की सुविधाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। तो देखिए, आपको बता दें कि भराड़ीसैण में चल रहे विकास कार्यों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भराड़ीसैण के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं, उत्तराखंड राज्य में पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गैरसैण विधानसभा परिषद में पलायन निवारण आयोग की अहम बैठक हुई है और बैठक में पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा की गई और साथ ही इसके निवारण हेतु बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर मंथन किया गया है। इसके अलावा सख्त भू कानून के लिए बनाई गई समिति और अन्य पूर्व उच्चाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम औपचारिकताओं के बाद जल्द से जल्द सूबे में भू कानून लागू करने का भरोसा दिया है और साथ ही उन्होंने पहाड़ों के पलायन से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर रोजगार विकसित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। देखिए, भू कानून पर काफी सारा काम पहले ही जो है श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें काम किया है और उसका हम लोगों ने क्रमवार रूप से आज जिस पर चर्चा हुई है और प्रारूप बनाने वाली समिति ने बहुत सारा काम किया है। पहले भी काफ़ी सारे सुझाव लिए हैं और किस प्रकार से हम उसको सही दिशा में लागू करें जिससे कि राज्य के अंदर जो जमीनों का दुरुपयोग हुआ है, ज़मीनें खरीद कर लोगों ने उसके प्रयोजन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया है और अनेक जगह पर जो शिकायतें आई उस पर अभी कार्रवाई भी हो रही है। पूरे राज्य के अंदर हर जिले से उसकी पूरे प्रारूप मंगा लिए गए हैं, पूरे दस्तावेज आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई स्वतः ही हो रही है। अब जल्दी ही चूँकि हमको भू कानून लाना है, लागू करना है, तो उसमें सभी के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हमने जो हमारे राज्य के बहुत अनुभवी और जिनका लंबा दीर्घ अनुभव रहा है और इस क्षेत्र में काम किया है, उन सभी वरिष्ठ हमारे जो सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी हैं सबको भी यहाँ पर बुलाया था। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, अच्छे सुझाव आए हैं और हम इसके बाद स्टेक होल्डर्स के साथ भी ये बातचीत करेंगे, उनके भी सुझाव लेंगे जो भी हितधारक हैं और साथ में राज्य के प्रत्येक जो हमारे परगना हैं उन परगनाओं पर भी हमारे सभी लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे, हमारे एसटीएम वगैरह, तहसीलदार और सबको सुझाव लेकर जो चीज़ें आएंगी उसके अनुरूप हम एक सशक्त भू कानून राज्य के अंदर लागू करेंगे। निवारण आयोग हमारा लगातार काम कर रहा है और पिछले 3 सालों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो स्वरोजगार के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है और स्वरोजगार रोजगार तेजी से बढ़ा है और पलायन रोकने की दृष्टि से भी ये काफ़ी सहयोगी हो रहा है राज्य के अंदर। उसको और प्रभावी बनाया जाए और ठीक प्रकार से जो उनकी रिकमेंडेशन है उस पर काम हो, उसके लिए काम हुआ है। आज हमारे जो लखपति दीदियाँ हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, स्थानीय रूप से छोटी छोटी यूनिट के माध्यम से अपने उत्पाद बनाने वाले हैं, पूरे राज्य के अंदर से सभी लोग यहाँ पर आए हैं, उनके भी बहुत सारे सुझाव आए हैं और निश्चित रूप से उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा है। जैसे 1 लाख से अधिक लखपति दीदियाँ अभी तक बन गई हैं, अनेक लोग स्वरोजगार रोजगार करके आज यहाँ स्वयं का उद्यम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। उनमें से जो सुझाव आए हैं कुछ और चीज़ों का सरलीकरण होना चाहिए, कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, तो हमने वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर हमको मिल गई हैं। हम जल्दी ही उन सबका परीक्षण करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि उनको सरलीकरण भी मिले।